आइए, तो हम लोग May 18 का RTP कर रहे थे, राइट? तो उसमें हम लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन चला था, क्वेश्चन नंबर 13। तो उसमें सबसे पहले अपने को एक्स का आया था, सॉरी, प्रोडक्ट ए का आया था 12,000 यूनिट, बी का आया था 12,000 यूनिट। वो सॉल्व करके निकाला था, दोनों यूनिटी है, दोनों इक्वल है, दोनों का रेशियो क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ द कंपनी एक्सपेक्ट नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड वुड बी इक्वल। तो ये सॉल्व हम लोग करके देख चुका है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन नंबर वन हम लोगों को इवेल्यूएट करना है, इज दैट फाइन? अच्छा, ओके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोलता है ड्यू टू चेंज इन पहला ऑप्शन बोला ड्यू टू चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द जॉइंट फिक्स कॉस्ट 15% से कम होगा एंड वेरिएबल कॉस्ट वुड बी इंक्रीज बाई 7.5%। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट, एक हम लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में चेंज किया तो उसके कारण हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, मे बी कि सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट आई एम गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड बाई अ जॉब वर्कर। तो वेन आई एम गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड बाई अ जॉब वर्कर, तो हो सकता है वो स्पेस खाली हो गया हो, उसको हम लोग छोड़ दिया हो, या कोई प्लांट एंड मशीनरी हो वो यूज़ में नहीं आएगा तो उसको हमने डिस्पोज, जो भी है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा चेंजेस आया है ड्यू टू एक्सचेंज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट? फिक्स कॉस्ट हमारा 15% से कम हो जाएगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 7.5% से बढ़ जाएगा, राइट? तो अभी हमारा सिचुएशन क्या है, प्रोडक्ट ए बी सेलिंग प्राइस है 120, जो हम लोग सॉल्व किया था, लेस वेरिएबल कॉस्ट, राइट? हमारा था 120 इधर, राइट? और इधर था हमारा 60। सो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज कितना आ रहा है, 80 और 60, राइट? इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा सिचुएशन था ऑलरेडी। अभी हम लोगों को क्या करना है, एक्सचेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण हमारा फिक्स कॉस्ट 15% से कम हुआ है एंड वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 7.5%, राइट? तो आइए ऑप्शन वन को इवेल्युएट करना है। तो रिवाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए से हमारे को रिवाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। नाउ प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस 200 है, वेरिएबल कॉस्ट 107.5%, राइट? 7.5% से बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स 12,000 ही रहने वाला है। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कैलकुलेटर चलाइए आप लोग, मेरे पास भी है। 120 का पहले 7.5% तो 9 आ रहा था, 129। तो 200 माइनस 129, 71 इज द न्यू कंट्रीब्यूशन इनटू 12,000। तो ये आ रहा है 8,52,000। रिवाइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट बी 120 माइनस, राइट, कितना है हमारा, 60 × 107.5% × 12,000 यूनिट। तो 60 × 107.5% 64.5 आ गया, 120 माइनस 64.5 विच इज़ द न्यू वेरिएबल कॉस्ट। तो 55.5 इज़ आवर नया कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 12,000, दैट कम्स टू 6,66,000। तो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा दिस प्लस 8,52,000,
15 लाख 18,000 लेस फिक्स कॉस्ट. ना जो भी हमारा फिक्स कॉस्ट है वो था 15 लाख इंटू 85%. 15 लाख इंटू 85%, राइट? इज दैट फाइन? सो 15 लाख इंटू 85% तो आया 12,75,000. कितना आएगा? 12,75,000. माइनस करके देखिए आप लोग कितना आ रहा है. 12,75,000 माइनस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट आएगा 2,43,000 लेस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट. कितना है हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट? प्रोडक्ट ऐसे 1,50,000 बी से 30,000, हाँ है ना? यस और नो? ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है 1,80,000 का, तो 63 नेट बेनिफिट. तो ये फायदेमंद है हमारे लिए सौदा. एक्सचेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, राइट? तो वी विल गो फॉर इट. ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जाएंगे इसमें. सो ऑप्शन वन इज एटलीस्ट गिविंग अस सम इंक्रीमेंट इन आवर प्रॉफिट, तो हेंस वी विल गो फॉर इट. इज दैट फाइन? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी हम लोग करेंगे ऑप्शन टू, ठीक है? नाउ वी विल गो फॉर ऑप्शन टू. तो ऑप्शन टू में क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा. ऑप्शन टू बोलता है प्राइस ऑफ ए कुड बी इंक्रीज बाय 20%. तो सेलिंग प्राइस है हमारा 200, उसको 20% से बढ़ा दिया तो 240 हो गया, ठीक है. एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटी ओवर द रेंज ऑफ प्राइसेस. मतलब डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, राइट? इज दैट फाइन? हाँ, तो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड विल फॉल, बट ऑब्वियस है. अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड विल फॉल. तो सबसे पहला रिवाइज्ड contribution from product A, सबसे पहला ये 240 हो गया है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज स्टिल द सेम, राइट? वेरिएबल कॉस्ट इज स्टिल द सेम. अभी मेरा क्वांटिटी विल चेंज, अच्छा बी में कोई चेंज नहीं आ रहा है. रिवाइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट बी, आया ना? प्रोडक्ट बी का है हमारा 120 माइनस 60 इनटू 12,000, तो जो भी है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, सेम वही चीज है, फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है.
तुम्हारा प्रॉफिट आएगा उसमें से लेस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विच इज 180, तो हमारा नेट बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, मतलब टोटल रेवेन्यू, राइट, नीचे नोट बनाएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 मींस टोटल रेवेन्यू विल बी सेम एज बिफोर, राइट, मतलब टोटल रेवेन्यू उतना ही होगा तो अकॉर्डिंगली डिमांड फॉल करेगा, तो नंबर ऑफ प्रपोज्ड यूनिट्स कैसे आएगा, बोलिए, टोटल रेवेन्यू पहले कितना था, 12,000 इंटू 200, 24 लाख ही रहेगा, लेकिन नया सेलिंग प्राइस है हमारा 240 का, तो 12,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 240, तो उस हिसाब से हमारा 10,000 यूनिट ही बिकेगा, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड यूनिटी का मतलब हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, जैसे जैसे प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड विल फॉल बट टोटल रेवेन्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट, राइट, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये दो चेंजेस आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली इट इज गिविंग मी 12 लाख, दिस विल बी 19,20,000, दिस विल बी 4,20,000, सो दिस विल बी 2,40,000, इज दैट फाइन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को, नाउ ऑप्शन 3 करेंगे हम लोग, ऑप्शन 3 में बोला दोनों ही चेंज हुआ है, राइट, ऑप्शन 3 में बोल रहा है बोथ आर चेंजिंग, तो इसका मतलब रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए इट विल बी लाइक सेकेंड ऑप्शन में दिस हैज चेंज, फर्स्ट ऑप्शन में दिस हैज चेंज्ड, सेकेंड ऑप्शन में दिस हैज चेंज्ड, तो 240 माइनस 129 11,10,000, खाली वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, 55.5 इंटू
पहला ऑप्शन में ये चेंज हुआ था, लेस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट उस हिसाब से हमारा राइट right. सो इस टाइप का क्वेश्चन इज वेरी इजी. ठीक है, बोलिए. डन. ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो बजट का क्वेश्चन है. राइट right. नौ बजट के साथ में लोग मटेरियल कॉस्टिंग को मिक्स किया है. इस टाइप का क्वेश्चंस यूजुअली आपके एग्जाम में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट फिर भी आरटीपी में दिया हुआ है, पुराना आरटीपी में है, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक वो लोग टच नहीं किया है. सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करके जाएंगे तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बोलेंगे पेपर टफ है, बट पेपर टफ नहीं, बिकॉज वी हैव डन इट इन आरटीपी. राइट, आइए, क्लासरूम में वी हैवंट सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें हम लोग बजट के साथ में मटेरियल को मिक्स कर पाएं. तो ये आरटीपी में आ रहा है, बट अपने कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बेसिकली इसमें जब अपना रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाएंगे हम लोग, तो रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाने पे अपने को पता चल जाता है कि एनुअली अपने को कितना परचेज करना है या उस पीरियड में अपने को कितना परचेज करना है. तो उसको फिर ईओक्यू का फॉर्मूला में फिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमको ये पता चल जाएगा कि हमको एट अ टाइम कितना ऑर्डर करना है. राइट, सो ऐसा घबराने वाला बात नहीं है. राइट, क्वेश्चन नंबर 14. जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट कॉल्ड MNN. ठीक है, दोनों में कॉमन मटेरियल लगता है Z, मतलब टू प्रोडक्ट वन रॉ मटेरियल. जॉइंट प्रोडक्ट कसम नहीं है ये, मतलब M बनाने में Z लग रहा है, N बनाने में भी Z लग रहा है. ऐसा नहीं कि Z को प्रोसेस करने से दोनों साथ में निकल रहा है. ठीक है, मतलब M Z से भी बनता है, N भी Z से बन रहा है. रॉ मटेरियल का परचेस प्राइस 3600 रुपीज दिया हुआ है. The company has decided to review the inventory management policy for the forthcoming year. ठीक है, इस साल का सेल्स दे दिया, फिनिश गुड स्टॉक इंक्रीज दे दिया, मतलब क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग, तो हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा. पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट है 4%, 6%. मटेरियल यूसेज दे दिया और उसका रिजेक्शन रेट दे दिया. यूसेज ऑफ मटेरियल जेड एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्स्टेंट ओवर द पीरियड. एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग CH आ जाएगा 11% ऑफ 36 रुपीज पर kg. CO दे दिया, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. द मैनेजमेंट ऑफ जी लिमिटेड हैज डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर.
पहले लोग 40 ऑर्डर से ज्यादा नहीं करेगा. देयर हैज डिसाइडेड देयर शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर फॉर द रॉ मटेरियल जेड. ठीक है, तो पहले प्रोडक्शन बजट बनाना है, परचेज बजट बनाना है, फिर ईओक्यू निकालना है. पहले यहां तक करते हैं, फिर पार्ट थ्री में जाएंगे. ठीक है, आइए. तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पार्ट वन का ए. विच इज प्रोडक्शन बजट एम एन. सेल्स लेते हैं पहले हम लोग 28,000, 13,000 प्लस इंक्रीज इन स्टॉक प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते तो इंक्रीज इन स्टॉक दे दिया 320, 160. तो ये हमारा प्रोडक्शन आ गया 28,320. राइट, नाउ 4% का रिजेक्शन रेट है तो ये मेरा गुड प्रोडक्शन है. राइट, सो देयरफॉर गॉस प्रोडक्शन कितना होगा 28,320 4% लॉस के बाद में, मतलब ये 96% है और 13,160 6% के बाद में, मतलब ये 94% है. Is that fine? Right? तो हमारा प्रोडक्शन आ गया. अभी हम लोग बी करेंगे. परचेज बजट नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम में मटेरियल का ज्यादा वेस्टेज है और एन वाला लोग कम वेस्टेज कर रहा है. एनीवेज, तो अपने को पहले परचेज बजट जो बनाएंगे दोनों का पहले अलग अलग आएगा, फिर अपने उसको इकट्ठा करेंगे. परचेज बजट ऑफ
रॉ मटेरियल जेड, राइट। इज दैट फाइन? ये लोग ज्यादा वेस्टेज कर रहा है एम वाला लोग, और एन वाला लोग कम वेस्टेज कर रहा है। नीडेड फॉर एम, नीडेड फॉर एन, यूजुअली रॉ मेटल परचेज बजट एक कॉलम का बनना चाहिए। राइट तो कंजम्पशन कितना होगा? 29,500 इंटू एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 केजी चाहिए, $147,500 kg, और यहां पे 1 kg बनाने के लिए 6 kg चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, 84,000 kg। तो जो कंजम्पशन, इसमें स्टॉक पोजीशन कुछ नहीं दिया, तो मटेरियल परचेज कितना होगा? 147,500 में इसका मैं 10% वेस्टेज है, तो दिस इज 90% व्हाट इज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 90%, 163,889 kg अपने को इसके लिए खरीदना पड़ेगा, और इसका 84,000 डिवाइडेड बाय 95% eight four two one kg, राइट। तो उस हिसाब से टोटल परचेज two five two three one zero kg, तो पूरा साल में हमको इतना रॉ मेटेरियल खरीदना पड़ेगा। पहले दोनों का प्रोडक्शन आ गया, सिंपल केस है, हम लोग ऐसा केस किया है, गुड प्रोडक्शन इतना चाहिए, तो जा ग्रॉस ज्यादा बनेगा ना, मतलब दिस इज नेट ऑफ लॉस, दिस इज आल्सो नेट ऑफ लॉस, तो ग्रॉस इतना बनाना है, जितना बनाना है उस हिसाब से कितना चाहिए। नाउ दिस इज नेट रिक्वायर्ड, नेट ऑफ वेस्टेज, तो ग्रॉस कितना खरीदना पड़ेगा, तो टोटल परचेज आ जाएगा। अब हम लोग पार्ट टू कर सकते हैं, विच इज ईओक्यू। नाउ वी कैन गो फॉर पार्ट टू विच इज ईओक्यू, राइट। सिंपल है, अब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। ठीक है, सो ईओक्यू के लिए हमारा ए क्या है? 252,310 kg, विच इज एनुअल कंजम्पशन। सीओ विल बी 320
अपर ऑर्डर सी एच विल बी इलेवन परसेंट ऑफ रुपीज 36 पर केजी राइट कितना रहा है बोलिए 63 कितना 85.72 ठीक है तो 6386 केजी ले लो राउंड ऑफ करके राइट अभी क्या बोला है कि सप्लायर मैनेजमेंट का ये पॉलिसी कि साल में 40 बार से ज्यादा ऑर्डर नहीं करेगा ठीक है और हिसाब से अगर आप देखेंगे 252310 डिवाइडेड बाय 6386 दैट इज कमिंग टू 40 ओनली कैलकुलेटर में यूज करेंगे तो एज पर मैनेजमेंट एज पर ईओक्यू हमको साल में 40 ऑर्डर करना है ये तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज बट सप्लायर बोलता है कि आई विल नॉट सप्लाई यू मोर देन 4000 तो अपने को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा तो उस हिसाब से कंबाइनिंग द मैनेजमेंट एज वेल एज सप्लायर कंबाइनिंग द मैनेजमेंट पॉलिसी मैनेजमेंट का जो पॉलिसी दैट इज एज पर ईओक्यू एंड सप्लायर्स टर्म्स एंड कंडीशंस मैक्सिमम रॉ मटेरियल that can be purchase equals to right maximum raw material that can be purchased वन लैख 60,000 के जी
राइट right. तो अभी अपने को तो 252,310 चाहिए, बट अपने पास है नहीं, तो अपने क्या करेंगे, जो भी है उसको इसी रेशियो में एलोकेट कर दो. राइट तो अपना प्रोडक्शन प्लान, रिवाइज प्रोडक्शन प्लान बनेगा. रॉ मटेरियल एलोकेशन 163,889 चाहिए टोटल, अगर हम इतना खरीदें, लेकिन है 160, इसको 88421 चाहिए, अगर 252,310. राइट अब इसमें दोनों का अपना अपना वेस्टेज होगा. टेन परसेंट तो 10,393, इसमें 5%, 56,071, 28,04. फाइव थ्री टू सिक्स सेवन राइट वेस्टेज आ गया. अब ये जो वेस्टेज आया है ये मेरा, इससे मेरा प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो इससे मेरा प्रोडक्शन कितना होगा, 93,536 बाई 4 आई गेस. राइट 4 kg चाहिए, सॉरी कितना, 5 kg, 53,267 डिवाइडेड बाई 6, इज दैट फाइन.
ठीक है। अब इसमें अपना प्रोडक्शन रिजेक्शन होगा दोनों का अपना अपना, वो ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ईओक्यू के हिसाब से अपने मैक्सिमम 40 ऑर्डर्स कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 ऑर्डर्स, और सप्लायर बोलता है हम 4,000 से ज़्यादा देंगे नहीं, तो इससे ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे। अगर इतना खरीद पाएंगे तो दोनों का एलोकेट करो, दोनों अपना वेस्टेज है, दोनों का यूसेज में इतना नेट यूसेज होगा उस हिसाब से दोनों का ये प्रोडक्शन होगा। रिवाइज प्रोडक्शन बनाने बोला आपने को, राइट। अभी हमारा थ्योरी क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, फिक्स कॉस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट सेंटर, थ्री एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जीरो बेस बजटिंग मैं नहीं बताऊंगा, मैंने प्रीवियस आरटीपीज में आपको बता दिया है। ऑपरेशन कॉस्टिंग विथ टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर ऑपरेशन कॉस्टिंग इज अप्लाइड, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, नाउ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर इज बेसिकली जिसका कोई आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फिगर, राइट। जैसे कोई कॉस्ट सेंटर है तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, कोई रेवेन्यू सेंटर है तो वो माल बेच रहा है, प्रॉफिट सेंटर है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट हो गया एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये सब जो डिपार्टमेंट होते हैं इनका अपना कोई आउटपुट नहीं होता है, राइट। एग्जाम्पल में R&D डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सब अलग अलग एक डिपार्टमेंट होता है, राइट। आउटपुट ऑफ दीज कॉस्ट सेंटर्स कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कोरिलेटेड विथ कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सेंटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। इसमें सबसे पहला बात है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी प्लस authority to make investment decisions, तो उसके लिए अपने कौन सा measure use करते हैं?
फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वी यूज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेसिडुअल इनकम मेजर्स आर यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस. ठीक है, इज दैट फाइन? नाउ एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स. पहला पॉइंट, नो रिस्क ऑफ एनी लॉस, नो रिस्क ऑफ एनी लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट यूजफुल व्हेन work is not defined properly. मतलब आप करिए ना, देख लेंगे, वैसा टाइप का. मतलब you just go ahead with the work, I'll see to that. Contractee has the authority to examine the books of the contractor. क्योंकि जितना cost incurred होगा ना, उसी का profit percentage add होगा. तो यहाँ पे contractee is rest assured. ठीक है, जो खर्चा लगा उसी का पैसा हम उसको दे रहे हैं. राइट, नंबर फोर, नाउ ऑपरेशन कॉस्टिंग. ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया है प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है. इनपुट को यू प्रोसेस सेवरल टाइम्स एंड यू मेक फाइनल आउटपुट, दिस इज प्रोसेस कॉस्टिंग. ए बी सी एंड यू फाइंड आउट कॉस्ट एट एवरी लेवल. ऑपरेशन कॉस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट. यू मेक डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट. राइट, मतलब इनपुट ए से यू आर मेकिंग फाइनल आउटपुट ए, इनपुट बी से यू आर मेकिंग फाइनल आउटपुट बी, बट द प्रोसेस इज सेम, द कन्वर्जन एक्टिविटी इज सेम.
कन्वर्जन एक्टिविटीज आर सिमिलर. जैसे अपने को शर्ट बनाना है तो कितने वेराइटीज वेरियंट्स आते हैं शर्ट्स के, बट शर्ट सिलने का तो तरीका वही है ना, स्टिचिंग का, राइट? तो लिखेंगे आप लोग ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन एन एंटिटी प्रोड्यूसेस डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट. व्हेन एन एंटिटी प्रोड्यूसेस डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट using different materials bracket mein inputs but conversion activities are similar for all the variants. Conversion activities are similar राइट. इज दैट फाइन? Under operation costing system, predetermined overhead absorption rate is used. मतलब इस particular process में दोनों input आ रहा है तो इसका ऑलरेडी एक प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा. जैसे ये प्रोडक्ट आएगा इसको चार्ज कर देंगे, बी आएगा ओवरहेड चार्ज कर देंगे. राइट. एग्जाम्पल में ज्वेलरी मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है. सो इस तरीके से हमारा ये वाला आरटीपी भी कंप्लीट हो गया, राइट?